हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10 का प्रैक्टिस सेट 1.5 देखेंगे। ये पार्ट फर्स्ट का है। देखो, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर डिफर बाय 3। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड द नंबर्स। और ये एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। ओके, इसमें भी हमें इक्वेशन ही फॉर्म होंगे, वो इक्वेशन सॉल्व करके हमें ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे भी इसमें क्या दिया है, देखो नंबर है टू नंबर, उनका डिफरेंस कितना है 3। वो नंबर कौन से हमें निकालने हैं। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ट्वाइस स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ग्रेटर नंबर की सम कितनी है, 19 है, और हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। ओके, अब देखो पहले हमें जो नंबर निकालने हैं उनको एक्स एंड वाई कंसिडर कर लेते हैं। उसमें देखो स्मॉलर एंड ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर को एक्स एंड स्मॉलर नंबर को वाई हम कंसिडर कर लेते हैं। ओके, सपोज हमारा एक्स ही ग्रेटर नंबर है और वाई स्मॉलर नंबर है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है कि दोनों का डिफरेंस 3 है, तो हम इक्वेशन फॉर्म में उसको कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। दोनों का डिफरेंस मीन्स एक्स माइनस वाई, डिफरेंस मीन्स सब्सट्रैक्शन आती है ना, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, दोनों की सब्सट्रैक्शन इक्वल टू 3 आ रही है। ये हमें फर्स्ट कंडीशन में दिया गया था। इस फर्स्ट कंडीशन से हमें ये इक्वेशन मिल गया, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले कर रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या बताया गया है, देखो सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस द ग्रेटर नंबर बोला है तो 3x आएगा। थ्राइज द ग्रेटर नंबर मीन्स ग्रेटर नंबर 3 टाइम है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय ग्रेटर नंबर आएगा, और ग्रेटर नंबर को हमने x कंसिडर किया है तो 3x मिलेगा, करेक्ट। और ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम y के साथ, ये स्मॉलर नंबर है ना, तो 2 टाइम स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर बोला है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेकेंड कंडीशन में हमें क्या बताया गया है, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एंड थ्राइस द स्मॉलर नंबर की सम कितनी आ रही है, 19। तो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 19। और ये जो दूसरा इक्वेशन मिला उसको हमने टू इक्वेशन नंबर 2 लेबल कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को ऑब्जर्व कर लो, ये इक्वेशन हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना होगा, वाई टर्म नहीं तो एक्स टर्म सेम करके जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या करना होगा वो करके हम वेरिएबल वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है, और y को सेम करना इजी जाएगा या x टर्म को सेम करना इजी जाएगा वो डिपेंड करता है आप पे। ओके, आप इस x को 3x बना सकते हो, इस y को 2y भी बना सकते हो मल्टीप्लिकेशन करके। तो देखो यहाँ पे 2y टर्म है, यहाँ पे y टर्म है, इस y को अगर हम 2y बना लेते हैं तो ये 2y के साथ ये प्लस 2y कट हो जाएगा। ओके, एडिशन में ही क्या हो जाएगा, इस 2y के साथ ये 2y कट हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लिया, इसको हमें करना है मल्टीप्लाई 2 से। ओके, 2 3 जार 6 आता है, 2 इंटू वाई 2y आता है, और 2 इंटू एक्स 2x आता है, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। ये हमें इक्वेशन मिल गया 2 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेबल कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 देख लो, दोनों में क्या है, अभी यहाँ पे 2y टर्म, यहाँ पे 2y टर्म, यहाँ पे प्लस 2y, यहाँ पे माइनस 2y है, तो प्लस 2y के साथ माइनस 2y कट हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन की एडिशन कर लेते हैं तभी कट हो जाएगा ना। तो देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, और 2x माइनस 2y इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। दोनों की हम एडिशन कर लेते हैं, 19 प्लस 6 25 हो गए, प्लस 2y के साथ माइनस 2y कट, 3x एंड 2x है, 3x प्लस 2x 5x हो गए। ओके, अभी x की वैल्यू निकालनी है, 5 को हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे, 5 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 25 बाय 5। अभी ये दोनों मल्टीपल नंबर है, 5 वन जा 5, 5 फाइव जा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, देयरफॉर x इक्वल टू 5। अभी हमें x इक्वल टू 5 जो वैल्यू मिली है उसको आप इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, उन तीनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो और अदर वेरिएबल y जो है उसकी वैल्यू निकाल लो।
सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 में ये x इक्वल टू 5 वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो देखो x माइनस वाई इक्वल टू 3 हमारे इक्वेशन नंबर 1 में है, इसमें हमें x की वैल्यू 5 पुट करनी है, पुट कर दी, पाई माइनस वाई इक्वल टू 3 ये स्टेप मिल गई। अभी हमें y की वैल्यू निकालनी है, 5 को हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे, 5 यहाँ पे प्लस है, इस साइड में माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस पाई ये स्टेप मिलेगी। देखो y इसी साइड में है, वो माइनस है, तो y को माइनस साइन रहेगा। ओके, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, दोनों में बड़ा ये है, इसका साइन माइनस आंसर को जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 ये स्टेप मिल गई। अभी माइनस वाई की वैल्यू मिली है, हमें वाई की वैल्यू चाहिए, तो इस माइनस वाई को वाई बनाने के लिए हम इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो माइनस वाई इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, देखो माइनस वाई इंटू माइनस वन इक्वल टू माइनस 2 इंटू माइनस 1। ओके, इस साइड को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड को भी करना होता है, तो दोनों भी साइड को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में दोनों सेम साइन नंबर है, उनका आंसर ऑलवेज प्लस साइन आता है, तो वाई वन जा वाई आ गया इक्वल टू 2 वन जा 2 आ गया, यहाँ पे भी दोनों सेम साइन नंबर है मल्टीप्लीकेशन में, तो उसका आंसर ऑलवेज प्लस आता है, तो वाई इक्वल टू 2 ये वैल्यू मिल गई। और हमने क्या करने के बाद ये वैल्यू मिली है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस 1। ओके, तो x और y की वैल्यू हमें मिल गई है, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5, देयरफॉर x y इक्वल टू 5, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग। देखो ये हमें कंप्लीट करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल की ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ साइड है। ओके, रेक्टेंगल की फोर साइड है, फोरों साइड की वैल्यूज दी गई है, वो इक्वेशन फॉर्म में है, वेरिएबल फॉर्म में है, हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x की और y की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया, मीन्स रेक्टेंगल की हमें पेरीमीटर एंड एरिया दोनों निकालने हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगल दिया है, ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड से, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड ऑलवेज क्या रहती है, इक्वल रहती है, तो पहले हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये दोनों अपोजिट है, ये इक्वल लेंथ की है, ये और ये अपोजिट है, ये भी इक्वल लेंथ की है। पहले 2x plus y plus 8, इसके इक्वल कौन सी है, 4x minus y, इसको लेंगे हम, इक्वेशन फॉर्म में दी गई है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे 2x टर्म है, y टर्म है, यहाँ पे भी 4x और y टर्म है, तो x और y ये दोनों इस साइड में जो टर्म है उनको इस साइड में लेकर आते हैं। ओके, और ये 8 कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको हम इस साइड में भेज देते हैं। अभी देखो 4x यहाँ पे प्लस है ना, तो इस साइड में माइनस हो जाएगा, ये y यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, पहले हम दोनों x की टर्म उसके बाद y की टर्म राइट कर लेते हैं, हमें कैलकुलेशन में इजी जाएगा। 4x यहाँ पे प्लस था ना, देखो यहाँ पे माइनस हो गया, y पहले था ये वाला y यहाँ पे आ गया, देखो वो भी प्लस हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस था। ओके, अभी देखो 2x माइनस 4x, ये प्लस साइन है, ये माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि हो जाएगी सब्सट्रैक्शन, 4x में से 2x सब्सट्रैक्ट हो गए, 2x रह गए, इन दोनों में बड़ा ये है 4x, उसका साइन माइनस इस आंसर को जाएगा। अभी प्लस साइन, y भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 होता है, y प्लस y 2y हो गया, तो यहाँ पे 2y आ गया। अभी इक्वल, यहाँ पे माइनस 8, ये 8 यहाँ पे प्लस था ना, उसको दूसरे साइड में भेज दिया, वो वहाँ पे माइनस 8 हो गया, तो वही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 8 है, तो ये सभी जो नंबर है 2 एंड माइनस 8 है, ये तो ये सभी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हम पूरे इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो माइनस 3x को 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2y को 2 से, और माइनस 8 को भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो इस 2 के साथ ये 2 कट हो गया, इस 2 के साथ ये 2 कट हो गया, 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8 आ गया, तो क्या रह गया, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेबल कर लिया, ऑल्सो एक्स प्लस 4 इक्वल टू 2y, ये भी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है, वो भी क्या रहती है, अलवेज इक्वल रहती है। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे भी हमारा दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन कैसे मिला,
फर्स्ट अपोजिट साइड की जो पेयर है रेक्टेंगल की, उससे ये इक्वेशन मिल गया है। ये अपोजिट साइड की पेयर जो है, इससे हमें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे 2y है, उस y को हम इस साइड में लेकर आते हैं, ये 4 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है उस साइड में भेज देते हैं, तो हमें ax plus by equal to c इस फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो 2 को इस साइड में लेकर आ गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा, और ये +4 है उस साइड में भेज दिया तो -4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मिल गया एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस फोर, और ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गया। ओके, अभी दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व कर लो, y और ये भी 2y टर्म है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। तो अगर हम दोनों इक्वेशन की एडिशन कर लेते हैं, इस माइनस x के साथ ये प्लस x कट हो जाएगा, तो हम एडिशन करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो दोनों, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, इस माइनस x के साथ ये प्लस x कट हो जाएगा, ये y प्लस साइन है, ये 2y माइनस साइन है, प्लस माइनस होता है माइनस, इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। 2y में से y सब्सट्रैक्ट होगा, एक ही y रह गया, उसको माइनस साइन आएगा, क्योंकि इन दोनों में बड़ा ये 2y है ना, उसका साइन माइनस है, इसलिए आंसर को माइनस साइन आएगा। इक्वल टू साइन, माइनस माइनस होता है प्लस, इनकी एडिशन हो जाएगी, 4 + 4 8 आ गए, और माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गया यहाँ पे। ओके, अभी देखो y की, माइनस y की वैल्यू -8 मिली है, हमें y की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, -1 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 8। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा y मिल जाएगा, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। ओके, y की वैल्यू मिल गई, अभी हम ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में या 3 में किसी में पुट कर आप अदर वेरिएबल वैल्यू जो है x वेरिएबल वैल्यू निकाल सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 में y इक्वल टू 8 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। देखो इक्वेशन 2 मैंने राइट कर लिया, इसमें y की जगह हमें 8 वैल्यू लेनी है तो ले ली, उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 2 8 16 इक्वल टू -4, और यहाँ पे x है, x की वैल्यू निकालनी, तो 16 को हम इस साइड में भेज देते हैं, ये 16 यहाँ पे माइनस है, इस साइड में प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू -4 + 16, माइनस प्लस होता है माइनस, इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, 16 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, 12 रह गए, देयरफॉर x इक्वल टू 12 ये वैल्यू मिल गई हमें, x की और y की वैल्यू मिल गई है। अभी हम पेरीमीटर एंड एरिया निकाल लेते हैं, पर उससे भी पहले देखो, x की और y की वैल्यू मिल गई है, ये लेंथ है रेक्टेंगल की, ये ब्रीथ है, बराबर, इस लेंथ का जो इक्वेशन दिया है उसमें x और y वेरिएबल वैल्यू पुट कर आप ये लेंथ निकाल लो, तो दोनों इक्वल ही है। ओके, लेंथ निकाल लो, ब्रीथ निकाल लो, क्योंकि हमें आगे पेरीमीटर एंड एरिया भी फाइंड आउट करनी है, पेरीमीटर एंड एरिया के लिए हमें लेंथ एंड ब्रीथ चाहिए होती है, इसीलिए इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, इसी एक इक्वेशन में आप एक्स एंड वाई वेरिएबल वैल्यू पुट कर लेंथ निकाल लो। तो देखो हम निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ निकालनी है, देखो मैंने रेक्टेंगल की ये लेंथ जो दी थी उसमें हम वेरिएबल वैल्यू पुट करेंगे, एक्स वेरिएबल वैल्यू हमें 12 मिली है, वाई वेरिएबल वैल्यू 8 मिली है, उनको पुट कर दिया, 12 4 48, माइनस साइन और 8, 48 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गया, 40 रह गए, तो 40 क्या आ गई, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, लेंथ कितनी मिल गई, 40। अभी हम ब्रेड निकाल लेते हैं, ब्रेड ऑफ द रेक्टेंगल 2y ले ली हमने, क्योंकि रेक्टेंगल की वहां पे ब्रेड हमें 2y दी थी, दूसरी साइड में हमें दूसरी ब्रेड भी दी गई है उसमें, नहीं तो इसमें आप वेरिएबल वैल्यू पुट कर ब्रेड निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ y वैल्यू पुट करनी है, 2 × y है ना, तो 2 × 8 आएगा, क्योंकि y की वैल्यू हमें 8 मिल गई है, तो 8 पुट कर दिया, 8 × 2 = 16, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो ब्रीड कितनी मिल गई, ब्रीड इक्वल टू 16, लेंथ 40 मिल गई, ब्रीड 16 मिल गई। अभी हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीड, हमें रेक्टेंगल की अगर एरिया निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रीड है, तो लेंथ 40 है, ब्रीड 16 है, उनको पुट कर दिया, इनके में मल्टीप्लीकेशन करके हमें एरिया मिल जाएगी। ओके, एरिया देर पर 16 4 = 64,
ये जीरो है एज इट इज। तो ये आ गया हमारा एरिया रेक्टेंगल का 640 स्क्वायर यूनिट्स। हमें पेरीमीटर भी निकालनी है रेक्टेंगल की। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ, ये फॉर्मूला है। तो 2 इंटू लेंथ 40 एंड ब्रिथ 16 पुट कर दी। ओके पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 40 प्लस 16 56 होते हैं, उनको राइट कर लिया। उनके साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, देखो 2 6 12 12 का 2 यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 2 5 10 10 प्लस 1 11, तो 112 यूनिट्स मिल गया। ये आ गए हमारी पेरीमीटर। ओके पेरीमीटर और एरिया हम थर्ड स्टैंडर्ड से देखते आए हैं, ये फॉर्मूलेज आपको मालूम होने चाहिए तभी आप ये एरिया एंड पेरीमीटर निकाल सकते हो। तो हमें क्वेश्चन में एक्स और वाई वेरिएबल वैल्यू एंड एरिया एंड पेरीमीटर निकालने को बोला था, तो हमने वो वैल्यूज निकाल ली है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल टू 12, वाई इक्वल टू 8। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 640 स्क्वायर यूनिट्स एंड इट्स पेरीमीटर इज 112 यूनिट्स। ओके क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ यू डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला गया है, फादर की और उनकी सन की एज की सम 70 आ रही है। कब 70 आ रही है, जब फादर का एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, सन का एज डबल लिया और फादर का एज लिया, उनकी सम 70 आ रही है। ये फर्स्ट कंडीशन में बताया गया है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 70 ये इक्वेशन मिल जाएगा। सम किसकी सम, फादर की एज की एंड उनकी सन की ट्वाइस की सम इक्वल टू कितनी आ रही है, 70 आ रही है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये राइट कर लिया, इसीलिए हम एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 70 लिख सके हैं, करेक्ट ना। ओके अभी सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, डबल द एज ऑफ द फादर, फादर का एज डबल लिया, फादर का एज एक्स कंसिडर किया है, तो डबल करने के बाद क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। ओके एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, उसको हमने सन की एज में ऐड कर दिया, ऐड कर दिया किसमें, सन की एज में, तो कितने मिल रहे हैं, 95 मिल रहे हैं। तो ये हमारा इक्वेशन सेकेंड मिल गया, देखो 2x प्लस y इक्वल टू 95, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी इक्वेशन फर्स्ट को और सेकेंड को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। देखो यहाँ पे क्रॉस में सेम नंबर मिल रहे हैं, तो आप इन दोनों इक्वेशन के एक बार एडिशन करके दूसरी बार सब्सट्रैक्शन करके जो इक्वेशन मिलेंगे उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल सकते हो। और दूसरा एक वे क्या है, पाई को 2y बना लो, यहाँ पे 2x है ना, इसलिए इस x को 2x बना लो, उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो भी करनी है आप कर सकते हो। ओके तो देखो मैं यहाँ पे, तो देखो तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 राइट कर लिया, उसको हमें करना है मल्टीप्लाई 2 से। ओके तो देखो 2 7 14 आता है, ये 0 है एज इट इज, 140 आ गए। 2 2 4 आ गया और y है, उसको लिखा। अभी x मल्टीप्लाई 2 करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2x आ गया। ओके तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 140। मल्टीप्लीकेशन के बाद ये नया इक्वेशन मिला है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेबल कर लेते हैं। अभी आपको इक्वेशन 2 एंड 3 ये ऑब्जर्व करना है, x 2x और 2x सेम टर्म मिल रही है। अभी सेम टर्म है, साइन भी सेम है, तो आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन, सेम टर्म सेम साइन सब्सट्रैक्शन करनी है। तो इन इक्वेशन की हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन, तो सब्सट्रैक्शन राइट कर ली हमने दोनों इक्वेशन की, और सब्सट्रैक्शन में हम क्या कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन जो यहाँ पे लिखा है, नीचे वाला इक्वेशन जो लिखा है ना, उस इक्वेशन के सभी टर्म के साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देते, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, प्लस था माइनस हो गया, अभी प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। अभी देखो इनकी हमें सब्सट्रैक्शन करनी है ना,
ये प्लस 140 है, ये माइनस 95 है, प्लस माइनस होता है माइनस, इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। 140 में से 95 सब्सट्रैक्ट हो गए, 45 रह गए। यहाँ पे इस 2x के साथ ये माइनस 2x कट हो जाएगा। यहाँ पे 4y प्लस है, y माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। 4y में से 1y सब्सट्रैक्ट हो गया तो 3y रह गए। ओके, अभी y की वैल्यू निकालनी है, 3 को हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड में डिवाइड हो गया। देखो y इक्वल टू 45/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 15 हो गए, 5 3 जा 3, 5 जा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। y की वैल्यू 15 मिल गई है। ये वैल्यू हमारे जो इक्वेशन मिले हैं उन किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर कर आप x वेरिएबल वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके एक्स वेरिएबल वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे आएगा सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, इसमें हमने y की वैल्यू 15 सब्स्टिट्यूट कर ली है। देखो ओके, x प्लस 2 इंटू 15 इक्वल टू 70, 15 2 जार 30 आ गए, इक्वल टू 70 है। x की वैल्यू निकालनी, अभी हम 30 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे, 30 यहाँ पे प्लस है, इस साइड में माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 70 माइनस 30, ये स्टेप मिलेगी। ओके, अभी 70 में से 30 सब्सट्रैक्ट हो गए तो 40 रह गए, देयर फोर x इक्वल टू 40। तो x x से फादर का एज है और y सन का एज है, तो सन का एज 15 मिल रहा है और फादर का एज 40 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द फादर्स प्रेजेंट एज इज 40 ईयर्स एंड द सन्स प्रेजेंट एज इज 15 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर इफ 6 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। देखो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों रहते हैं, तो हम न्यूमरेटर को x एंड डिनोमिनेटर को y कंसिडर कर लेते हैं। ओके, अभी देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर जो है उसको हमने y कंसिडर कर लिया है, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के इक्वल बन जाएगा। कब बनेगा, जब 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, 4 मोर मीन्स प्लस 4, 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के 2 टाइम लेने के बाद उसमें अगर हम 4 ऐड कर लेते हैं डिनोमिनेटर मिलेगा। ओके, वाई इक्वल टू 2x प्लस 4, यही कहना था, उसको हमने इक्वेशन फॉर्म में राइट कर लिया। पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ट्वाइस द न्यूमरेटर इक्वल टू 2x आएगा, ट्वाइस द न्यूमरेटर, ओके मीन्स 2 टाइम x है, न्यूमरेटर को x कंसिडर किया है ना, तो 2x आएगा। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग y इक्वल टू 2x प्लस 4। ओके, अभी देखो ये 2 को हम इस साइड में लेकर आते हैं, 4 इस साइड में रहेगा, क्योंकि हमें ax प्लस by इक्वल टू c इस फॉर्म में अगर इक्वेशन कन्वर्ट कर लेते हैं उसको सॉल्व करना इजी जाता है ना, तो हम इसको एक्स प्लस बी वाई इस इक्वल टू सी इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 2 को हम इस साइड में लेकर आ रहे हैं। 2x यहाँ पे प्लस है, इस साइड में माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, -2x + y = 4, और ये जो इक्वेशन मिला है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। अभी सेकेंड कंडीशन में क्या बताया गया है, If 6 is subtracted from both the numerator and the denominator, if 6 is subtracted from both the numerator and the denominator, then the numerator becomes x minus 6 and the denominator becomes y minus 6. उन्होंने बोला है कि numerator और denominator दोनों में से 6 subtract करनी है, तो न्यूमरेटर -6 और डिनोमिनेटर -6 आएगा। और सेकंड कंडीशन में ये भी बताया गया है कि सब्सट्रैक्ट करने के बाद डिनोमिनेटर 12 टाइम्स टू द न्यूमरेटर, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स। देखो दोनों में से 6 सब्सट्रैक्ट करने के बाद डिनोमिनेटर जो है
वो 12 टाइम्स बन जाता है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर 12 टाइम बन जाता है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें न्यूमरेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस सिक्स ऐसा लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला क्या गया है, अच्छे से ध्यान से सुन लो। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 6 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम्स बन जाता है, ये तो बन गया है 12 टाइम्स, पर इस इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें इसको भी 12 टाइम लेना होगा ना, इस न्यूमरेटर को भी 12 टाइम्स लेना होगा, क्योंकि 6 सब्सट्रैक्ट करने के बाद डिनोमिनेटर 12 टाइम बन गया है, और इसको 12 टाइम बनाने के लिए हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं तो आप लोग बोलोगे मैम वहाँ पे बोला क्या गया है कि सब्सट्रैक्ट करने के बाद डिनोमिनेटर के इक्वल न्यूमरेटर बनेगा, पर न्यूमरेटर को हमें 12 टाइम्स लेना होगा। ओके, इसलिए 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस सिक्स लिया हमने। अभी ये 12 इसके ब्रैकेट के बाहर है, हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में इस इक्वेशन को भी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, करेक्ट। तो देखो 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 12x आ गया, माइनस साइन, 12 6 72 आ गया। ओके, अभी देखो इस 12 को हम इस साइड में लेकर आते हैं, 6 को इस साइड में भेज देते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म है ना, वो राइट साइड में हमें मिल जाएगी और ये दोनों लेफ्ट साइड में मिलेगी। ओके, तो 12x यहाँ पे प्लस है, उसको इस साइड में लेकर आए, वो माइनस हो गया, ये 6 यहाँ पे माइनस है, उसको इस साइड में भेज दिया, ये प्लस हो गया। ओके, माइनस 12x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 72 प्लस 6, माइनस प्लस होता है माइनस, इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, 72 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गए, 66 रह गए, इन दोनों में बढ़ाइए है, इसका साइन माइनस आंसर को आएगा। ओके, अभी क्या इक्वेशन मिल गया, माइनस 12x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 66, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लेबल कर लिया। अभी देखो यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 फिर से राइट कर लिया है, क्योंकि आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सको दोनों इक्वेशन को। तो देखो यहाँ पे प्लस वाई टर्म है, सेम टर्म सेम साइन भी है, अगर हम दोनों इक्वेशन की सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, सेम टर्म सेम साइन जब रहते हैं तब हम करते हैं सब्सट्रैक्शन, क्योंकि सेम टर्म सेम साइन में अगर हम सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं तो इस वाई के साथ ये वाई कट हो जाता है। ओके, इसलिए हम इनकी सब्सट्रैक्शन करेंगे और हमें एक्स वैल्यू मिल जाएगी। तो हम ये बड़ा नंबर वाला इक्वेशन जो है उसमें इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ओके, सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी देखो सब्सट्रैक्शन में हम इक्वेशन नंबर सेकेंड जो है उनमें जो सभी टर्म है सभी टर्म के साइन चेंज करते हैं। तो ये प्लस 4 है माइनस हो गया, प्लस वाई है माइनस वाई हो गया, ये माइनस 2x है प्लस 2x हो गए। ओके, माइनस ये माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, इनकी एडिशन हो जाएगी, 66 प्लस 4 70 हो गए, इस प्लस वाई के साथ माइनस वाई कट हो गया, माइनस प्लस होता है माइनस, इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, 12 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए, 10 रह गए। वही देखो एक्स वैल्यू निकालनी है, 10 को हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 70 बाय 10 ये स्टेप मिल गई, 10 वन जार 10, 10 सेवन जार 70, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 7। अभी हम इस एक्स इक्वल टू 7 ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, हमें वाई वैल्यू मिल जाएगी, सब्सटीट्यूटिंग एक्स इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 राइट कर लिया, इसमें x की जगह हमें 7 सब्सटीट्यूट करना है, कर लिया हमने यहाँ पे, 2 7 जर आता है 14, ये दोनों डिफरेंट साइन है, आंसर जो है उसको माइनस साइन आएगा, और प्लस y इक्वल टू 4 एज इट इज है। ओके, अभी देखो ये माइनस 14 हमें y की वैल्यू निकालने, माइनस 14 को इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ये यहाँ पे माइनस है, इस साइड में प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू 4 प्लस 14 ये स्टेप मिल गई। ओके, 14 प्लस 4 18 हो गए, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 18। द न्यूमरेटर x इज 7 एंड डिनोमिनेटर y इज 18। हमने x को न्यूमरेटर कंसिडर किया था, y को डिनोमिनेटर कंसिडर किया था, तो x वैल्यू 7 आई है,
तो न्यूमरेटर 7 और y इक्वल टू 18 आया है, तो डिनोमिनेटर 18। ओके, तो फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं, देयर फोर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/18 न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी टू 10 टन्स व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक इट वेट्स 10 टन्स बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। ओके, यहाँ पे टू टाइप के बॉक्स दिए गए हैं और वो ट्रक में लोड कर रहे हैं और ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, 10 टन्स की है। ओके, टू टाइप की कंडीशन यहाँ पे दी गई है। पहले क्या कर दिया उन्होंने, 150 बॉक्सेस ए टाइप के एंड 100 बॉक्सेस बी टाइप के ट्रक में लोड कर दिए, वो 10 टन्स हो गए। दूसरी बार क्या कर दिया, 260 बॉक्सेस ए टाइप के एंड 40 बॉक्सेस बी टाइप के लोड कर दिए, फिर भी वो क्या हो गया, ट्रक लोड हो गए। ओके, हमें क्या निकालना है, उन बॉक्सेस का वेट निकालना है। तो देखो, पहले हम ए टाइप का जो बॉक्स है उसका वेट एक्स किलोग्राम एंड बी टाइप का जो बॉक्स है उसका वेट वाई किलोग्राम कंसिडर कर लेते हैं। देखो, ट्रक बड़ी रहती है कि कैपेसिटी टन में दी गई है, पर बॉक्सेस छोटे रहते हैं, उनका वेट हम किलोग्राम में निकालेंगे, करेक्ट। इसलिए यहाँ पे वाई किलोग्राम और एक्स किलोग्राम हमने यहाँ पे ले लिया है। बाद में हम वो यूनिट कन्वर्ट करेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ। ओके, ट्रक कैपेसिटी कितनी है, 10 टन्स। 1 टन इक्वल टू कितने रहते हैं, 1000 किलोग्राम। 10 टन को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, जो टन में जो नंबर है उसको करना होगा 1000 से मल्टीप्लाई। तो 10 टन दिए गए हैं तो 10 को हम करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, कितने हो जाएंगे, 10,000, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ट्रक कैपेसिटी कितनी आ गई, 10,000 किलोग्राम। ओके, अभी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन 150x प्लस 100y इक्वल टू 10,000। 150 बॉक्सेस x इतने वेट के और 100 बॉक्सेस y इतने वेट के, इन दोनों की एडिशन इक्वल टू कितनी आ रही है, 10 टन्स। 10 टन्स मीन्स कितने हैं, 10,000 किलोग्राम। तो 10 की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे, क्योंकि हम ये सभी किलोग्राम में ले रहे हैं। 150, 100 एंड 10,000, ये सभी नंबर होते हैं 10 से डिवाइड, तो हम इन सभी को 10 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 10, सभी टर्म को हमने 10 से डिवाइड कर लिया। तो देखो, इस जीरो के साथ ये जीरो कट, इस जीरो के साथ ये जीरो कट, इस जीरो के साथ ये जीरो कट, और अभी सभी का डिनोमिनेटर 1 है। डिनोमिनेटर 1 जब रहता है तब वो निगलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ना क्या नंबर है, सिर्फ अभी 15x प्लस 10y इक्वल टू 1000, तो उसको हमने नीचे राइट कर लिया, 15x प्लस 10y इक्वल टू 1000, और इसको इक्वेशन नंबर 1 लेबल कर लिया। अभी सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 260x प्लस 40y इक्वल टू 10,000। ये बॉक्सेस ट्रक में लोड करने के बाद, ट्रक लोड हो रही है मीन्स ट्रक का लोड 10 टन है, तो 10 टन मीन्स 10,000 किलोग्राम, तो यहाँ पे हम 10,000 लिखेंगे। और 260 बॉक्सेस ए टाइप के हैं, ए टाइप के बॉक्सेस का वेट हमने x किलोग्राम किया है, तो x किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय जितने बॉक्सेस है उतने करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 260x, और यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई बाय y कर लेंगे, क्योंकि 40 बॉक्सेस b टाइप के हैं और b टाइप के बॉक्सेस का वेट हमने y कंसिडर किया है। ओके, और ये दोनों टाइप के बॉक्सेस का वेट इक्वल टू कितना है, 10 टन्स, 10,000 किलोग्राम, करेक्ट। यहाँ पे भी सभी नंबर होते हैं 10 से डिवाइड, तो हम सभी को 10 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 10, 10 से डिवाइड कर लिया। यहाँ पे भी इस जीरो के साथ ये जीरो कट, इस जीरो के साथ ये जीरो कट, इस जीरो के साथ ये जीरो कट हो गया, तो क्या रह गए, 26x प्लस
4y इक्वल टू 1000, तो 26x प्लस 4y इक्वल टू 1000 हमने यहाँ पे राइट कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेबल कर लिया। अभी इक्वेशन नंबर 2 को और 1 को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते टाइम क्या कर लेते हैं, या तो y टर्म जो है दोनों की वो इक्वल बना लेते हैं, या x वेरिएबल टर्म है वो इक्वल बना लेते हैं। y टर्म इक्वल करना इजी जाएगा क्योंकि x टर्म में बहुत बड़े नंबर दिए हैं, बड़े नंबर में मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके y वैल्यू इक्वल बना लेते हैं, y को इक्वल कर लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे 10y है, यहाँ पे 4y है, 4 10 बन सकता है क्या? 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 10 बन जाएगा क्या? नहीं। और 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 4 बन जाएगा क्या? नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर इन दोनों में इक्वल बनाने की ट्राई करते हैं। तो ये 10 नहीं, 4 10 नहीं बन सकता, 10 4 नहीं बन सकता, इस 10 को 20 बना लेते हैं, 4 को भी 20 बना लेते हैं, तो बन सकता है क्या? ट्राई करके देख लो। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 आता है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 बन जाता है, तब ये इक्वल बनेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 5। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये पूरा इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हमें करना है मल्टीप्लाई 2 से। ये पूरा इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हमें करना है मल्टीप्लाई 5 से। ओके, अब देखो इसको हम पहले कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 15x, 2 15 जार 30 आता है, x से उनके साथ x को राइट कर लिया। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 10y, 2 10 जा 20 आता है, और y है उनके साथ y को लिखेंगे, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1000 किया तो क्या आ जाएगा, 2000। ओके, तो 30x प्लस 20y इक्वल टू 2000, ये इक्वेशन मिल गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 लेबल कर लिया। अभी ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हमें करना है मल्टीप्लाई 5 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 26x, 5 26 जार 130 आता है, और x से उनके साथ x को राइट कर लिया, प्लस साइन 5 4 जा 20 आता है, y उनके साथ y को राइट कर लिया, इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो क्या आता है, 5000। ओके, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 लेबल कर लिया। अभी इक्वेशन नंबर 3 और 4 इन दोनों में 20y ये सेम टर्म हो गई है, अगर सेम टर्म सेम साइन रहते तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन, तो इनकी सब्सट्रैक्शन करके y इलिमिनेट कर देंगे, हमें x वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 हम 4 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 4 पहले राइट करना होगा, उसके बाद में इक्वेशन नंबर 3। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। सेकेंड इक्वेशन के साइन हम चेंज करते हैं सब्सट्रैक्शन में, ये सेकेंड इक्वेशन के सभी टर्म के साइन चेंज हो गए, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था, ये माइनस हो गया। अभी प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, 5000 में से 2000 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3000 रह गए। ओके, अभी यहाँ पे 130x प्लस है, ये 30x माइनस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, 130 में से 30 सब्सट्रैक्ट हो गए तो रह गए 100, और x से उनके साथ x को राइट कर लिया। अभी देखो x की वैल्यू निकालनी है तो इस 100 को हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे, 100 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई इस साइड में डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 100। अभी देखो इन दो जीरो के साथ ये दो जीरो कट हो गए तो कितने रह गए, 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अभी हम x इक्वल टू 30 ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आप इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 किसी में भी ये x वैल्यू 30 पुट कर आप y वैल्यू निकाल सकते हो, मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। ओके, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 मैंने राइट कर लिया, इसमें हमें करना है x की जगह 30 सब्स्टिट्यूट, तो देखो 30 सब्स्टिट्यूट कर लिया, 15 3 45 आता ही, एक जीरो है उसको एज इट इज राइट कर लिया। ओके, प्लस साइन 10y एज इट इज है इक्वल टू 1000, y की वैल्यू निकालनी है, पहले हम 450 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे, उसके बाद में 10 को करेंगे, तो पहले 450 को शिफ्ट कर लिया तो ये 450 यहाँ पे प्लस है, दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देयरफॉर
10y इक्वल टू 1000 माइनस 450। 1000 में से 450 सब्सट्रैक्ट हो गए तो कितने रह गए, 550 रह गए। ओके, तो 10y इक्वल टू 550 आ जाएगा। देयरफॉर 10y इक्वल टू 550। अभी देखो, अभी हम 10 को इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें y वैल्यू निकालनी है। 10 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड में डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर y इक्वल टू 550 डिवाइडेड बाय 10। तो देखो, इस जीरो के साथ ये जीरो कट हो गए तो क्या रहेगा, 55 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 55 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 55। तो हम दोनों बॉक्स का वेट राइट कर लेते हैं। वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इक्वल टू 30 किलोग्राम एंड वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इक्वल टू 55 किलोग्राम। क्वेश्चन 6 है अभी। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। बस ट्रेवल विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रेवल बाय बस। विशाल जो बस से रिसेंट ट्रैवल कर रहा है ना, वो डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालना है। देखो, विशाल ने बस से और प्लेन से दोनों से ट्रैवल किया है और हमें यहाँ पे बस का ट्रैवलिंग डिस्टेंस निकालना है ना। तो पहले हम बस से x इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, और एरोप्लेन से y किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ये कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, लेट वी शैल ट्रैवल x किलोमीटर डिस्टेंस बाय बस एंड y किलोमीटर डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। ओके, अभी देखो, फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर में से उसने कुछ डिस्टेंस प्लेन से ट्रैवल किया है, कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया है। ओके, तो वो दोनों मिला के कितने हो गए, बस से एंड प्लेन से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस कितना है, 1900। तो फर्स्ट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1900। ओके, बस से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस प्लस प्लेन से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस दोनों मिला के इतने हो गए ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1900 ऐसा हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट कर लिया, ये जो इक्वेशन मिला उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेबल कर लिया। अभी सेकंड कंडीशन में क्या बताया गया है, देखो, टाइम टेकन बाय विशाल व्हाइल ट्रैवलिंग बाय बस, बस में ट्रैवल करते टाइम उसने कितना टाइम लिया है वो अगर हम निकाल लेते हैं तो वो कैसे आ जाएगा, x बाय 60 हावर्स, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना टाइम लिया बस में ट्रैवलिंग के लिए वो निकालना है, तो वो इक्वल टू x बाय 60 आएगा, क्योंकि x इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और उसका स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड था, इसलिए x बाय 60 लेंगे हम। ओके, t इक्वल टू x बाय 60 आ जाएगा। और टाइम प्लेन में ट्रैवल करने के लिए कितना लगा, y बाय 700 हावर्स। इस कंडीशन में ये भी बताया गया है कि उसने पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 5 आवर्स लगा लिए। ओके, बस से एंड प्लेन से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कंप्लीट करने के लिए 5 आवर्स लगा दिए। तो हम देखो, बस से ट्रैवल किया हुआ टाइम एंड प्लेन से ट्रैवल किया हुआ टाइम इक्वल टू कितना ले सकते हैं, 5 आवर ले सकते हैं। तो इस सेकंड कंडीशन में जो इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से सेकंड इक्वेशन बनेगा कैसे, देखो, सेकेंड कंडीशन, x बाय 60 प्लस y बाय 700 इक्वल टू 5, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लेबल कर लिया। ये आया कैसे, तो ये क्या है, ये बस से ट्रैवल किया हुआ टाइम, ये प्लेन से ट्रैवल किया हुआ टाइम, दोनों टाइम मिला के कितने हैं, 5 आवर है, इसीलिए x बाय 60 प्लस y बाय 700 इक्वल टू 5, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लेबल कर लिया। अभी देखो, ये इक्वेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, इसको पहले हम सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो इस इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2100 द एलसीएम ऑफ 60 एंड 700। दोनों का कॉमन मल्टीपल नंबर ऐसा कौन सा है उस नंबर से ये दोनों डिवाइड होकर सिंपल इक्वेशन फॉर्म हो जाए। तो ये दोनों नंबर का हमें फैक्टर निकालने होंगे, तो हम इनका एलसीएम फैक्टर मेथड से निकाल लेते हैं, क्योंकि वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर हमें मिल जाए और उस नंबर से मल्टीप्लाई करके ये जो इक्वेशन है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो 60 का और 700 का दोनों का एलसीएम मैंने निकाल लिया है। पहले हम यहाँ पे इनके फैक्टर निकालेंगे। 60 को होता है 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो ओके 2 3 6 और ये 0 एज इट इज। 30 को भी 2 से डिवाइड होता है, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 10 हो गए, 2 5 10। ओके 15 5 से डिवाइड होता है, पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15। ओके 3 3 से डिवाइड होता है, 3 1 3। तो ये सभी आ गए 60 के फैक्टर। अभी 700 के फैक्टर निकाल लिए हमने, 700 ये 2 से डिवाइड होता है, 2 3 6। ओके 7 में 6 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 10 हो गए, 2 5 10। ओके और ये 0 एज इट इज। अभी 350 भी 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गए, 1 15 हो गए, 2 7 14। ओके 15 में से 14 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गए, 10 हो गए, 2 5 10। तो 175 आ गए। अभी ये इसकी यूनिट प्लस 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15। ओके 17 में 15 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, 2 5 25, 5 5 25। 35 भी 5 से डिवाइड होता है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35। अभी 7 ये 7 से डिवाइड होता है, 7 1 7 आ गया। तो ये सभी 60 के और ये सभी 700 के फैक्टर। अभी दोनों में कॉमन कौन से नंबर है, देखो दोनों में 2 कॉमन है, फिर से दोनों में 2 कॉमन है, उसके बाद 5 कॉमन है। ओके तो जो कॉमन नंबर है उनको 1 1 टाइम लेंगे हम, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके एलसीएम निकालते टाइम दोनों में जो कॉमन नंबर है उनको पहले लिखेंगे, 1 1 टाइम ही लिखना है। ओके उसके बाद में जो कॉमन नहीं है उनको भी इनके बाद में लिखना है, 3 5 एंड 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके जो कॉमन है उनको 1 1 टाइम लिया, उसके बाद में जो कॉमन नहीं उनको भी लिखा, और वो सभी मल्टीप्लिकेशन में लिखने हैं। इनकी मल्टीप्लिकेशन की तो आंसर आ रहा है 2100। इसका मतलब 60 और 700 का कॉमन मल्टीपल नंबर कौन सा है, 2100। तो x बाय 60 को एंड y बाय 70 को दोनों को भी हम 2100 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड को भी करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो ये 0 के साथ ये 0 कट, इस 0 के साथ ये 0 कट, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही करनी है सिंपल। उसके बाद में देखो 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 6 1 6, 6 3 18, 21 में से 18 सब्सट्रैक्ट हो गए, 3 रह गए, 3 एंड 0 30, 6 5 30। तो यहाँ पे 35 आ गए, और यहाँ पे कैसे आ गए देखो, इस 0 के साथ ये 0 भी कट हो जाएगा, 7 1 7, 7 3 21, तो यहाँ पे 3 आ गया। अभी इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, देखो 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10, तो 10,500 आ गया। ओके तो x मल्टीप्लाई बाय 35, 35x, y मल्टीप्लाई बाय 3, 3y, तो 35x प्लस 3y इक्वल टू 10,500, उसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया और इसको इक्वेशन नंबर 3 लेबल कर लिया। ओके अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 इन दोनों को ऑब्जर्व कर लो। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है देखो, हमारा x प्लस y इक्वल टू 1900, दोनों को ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशन मिल गए ना, इनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर उससे पहले हमें टर्म्स देखनी होगी सेम टर्म्स है क्या। तो देखो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 35x है, यहाँ पे x है, तो
एक्स को इक्वल बनाने के लिए जाएंगे तो हम हमें एक्स को क्या करना होगा, 35 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये इक्वेशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इससे बेटर क्या रहेगा, सिर्फ हम इस वाई को इक्वल कर लेते हैं, या फिर 3y ना, तो इस वाई को भी 3y बना लेते हैं, दोनों सेम टर्म सेम साइन हो जाएंगे, हम सब्सट्रैक्शन करके इजीली एक्स वैल्यू निकालेंगे। और हमें एक्स वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमने एक्स क्या कंसिडर किया है, डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय बस, ओके, और वही हमें निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय प्लेन जो है वो हमें नहीं निकालना है, इसलिए वाई को हम इक्वल बना लेते हैं ताकि वो सब्सट्रैक्शन में इलिमिनेट हो जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 3y आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 3y है, ओके। तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने राइट कर लिया, इसको हमें करना है 3 से मल्टीप्लाई। तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय y 3y, इक्वल टू 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 9 जा 27, 27 का 7 यहाँ पे 11 2 आ गया, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5 हो गए, तो 5700, ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 लेबल कर लिया। फिर हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 है, पर कौन से इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन आप सब्सट्रैक्ट करोगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये बड़ा नंबर है ये छोटा वाला है, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, ओके। सेकेंड जो हमने इक्वेशन लिखा है उसके साइन हमें चेंज करने होते हैं सभी टर्म के, तो इसके साइन प्लस था माइनस हो गए, प्लस था माइनस हो गए, भी प्लस था माइनस हो गए, इस 3y के साथ ये 3y कट हो गया, अभी यहाँ पे प्लस माइनस इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस होता है तो इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, तो 10,500 इनसे 5,700 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1,800 रह गए, ओके, यहाँ पे इक्वल टू साइन, और ये 35x जो है प्लस है, 3x माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, 35 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, 32 रह गए, x से उसको लिखा, अभी x की वैल्यू निकालनी है, 32 को हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे, 32 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4,800 डिवाइडेड बाय 32। अभी दोनों नंबर की नोट प्लेस 0 एंड 2 है, पहले हम इनको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, वह रह गया 1, 2 6 जा 12, ओके, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और ये 2 0, ओके। अभी 16 एंड 0, 6 एंड 0, ये दोनों भी क्या है, 2 के ही मल्टीपल नंबर है, दोनों भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ओके, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 0, फिर से 1200, ये भी 2 से डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइडेड बाय 8 है ना, 8, 2 6 जा 12, और ये 2 0, फिर से 600 एंड 4, ये दोनों भी 2 के ही मल्टीपल नंबर है, उनको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये 2 0, ओके, 300 बाय 2, ये इसकी यूनिट प्लेस 2, इसकी यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस 0 और 2 है, यूनिट प्लेस 0 एंड 2 वाले नंबर फिर से 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 सबसेट हो गए, 1 रह गया, 1 एंड 0 10 हो गए, 2 5 जा 10, और ये 0, कितने आ गए, 150, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 150। तो विशाल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बस से वो कितना है, कितना किलोमीटर है, 150 किलोमीटर, देयरफॉर विशाल ट्रेवल 150 किलोमीटर बाय बस। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 10वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।